हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो सभी बच्चे गए थे एसआई एग्ज़ाम दोबारा रिकंडक्ट कराने के लिए इलाहाबाद गए थे, क्या हुआ, क्या वहां पर जो सभी बच्चे गए हैं, क्या रिकंडक्ट होने वाला है एग्ज़ाम, सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। सो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी को पता ही होगा, मैं जो खबर बताता हूँ वो सच्चे बताता हूँ। अगर आपको कोई भी खबर झूठी लगी तो आप कमेंट करके बता देना। तो आप सभी को पता ही होगा, जो एसआई एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई थी, अब दोबारा रिकंडक्ट कराने के लिए छात्र जो है इलाहाबाद गए हैं। इलाहाबाद इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर दोबारा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए छात्र सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाने से, प्रदर्शन करने से उनका जो पेपर है रिकंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दूं कि आज जो छात्र है बहुत कम मात्रा में वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ से अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। मुझे तो लगता है कि जो पेपर है दोबारा रिकंडक्ट नहीं कराया जाएगा। बाकी आगे कोई भी खबर आती है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।